ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिनों तक पूछताछ की है। इन 5 दिनों के अंदर राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने करीब 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की है। इसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में जारी सत्याग्रह में राहुल गांधी ने देश भर से आए कांग्रेसी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान ईडी द्वारा पूछे गए सवालों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन बुधवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया कि ईडी के अधिकारी उनसे क्या बातें करते थे। इस दौरान राहुल गांधी ने सचिन पायलट का जिक्र करते हुए धैर्य की बात कही, जिसके बाद सियासी गलियारों में कयासों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी पहले दिन 11 बजे पहुंचा, शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला, वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके, ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है। मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6-7-8-10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था, उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। यही नहीं, राहुल गांधी ने एआईसीसी में मौजूद देश भर के तमाम कांग्रेसी विधायकों और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर जो कहा, उससे पायलट खेमे में जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आपने हमारे सवालों का बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब दिया, इतना पेशेंस आप में कहां से आया। इस पर मैंने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि आपने थकान की बात पूछी, तो मैंने बता दिया कि मैं विपश्यान करता हूं इसलिए नहीं थका, लेकिन पेशेंस कहां से आया है ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी। इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं, तो ये जो हमारी पार्टी है। इस पर मंच के सामने और मंच पर बैठे हुए सभी लोग हंसने लगे। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि यहाँ सिद्धरमैया बैठे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी बैठे हैं, सभी पेशेंस के साथी तो बैठे हैं। यह जो हमारी कांग्रेस पार्टी है हमें थकने नहीं देती बल्कि पेशेंस रखना सिखाती है और इसी से हमें ताकत आती है।
और हम लड़ते हैं। उधर भाजपा में धैर्य की कोई जरूरत नहीं, बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, आपका काम हो जाएगा। मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथ लगातार 5 दिन ईडी ऑफिस में मौजूद थे। यहाँ आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत में की गई कथित घुसपैठ को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन की सेना हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है, प्रधानमंत्री जी सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में हैं, लेकिन आप एक धोखे से सेना को कमजोर कर रहे हैं। देश के भविष्य को बचाने के इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अग्निपथ वापस लेना ही होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।